हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हमारी लाइब्रेरी दिखाने वाली हूँ, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ NIT वारंगल। ओके, आज हम लोग पूरा लाइब्रेरी का टूर करेंगे। ओके, रीडिंग रूम और बुक्स कहाँ पे होती है और सब कुछ हम लोग देखेंगे। ओके, तो गाइस देखिए, यह है मेन बिल्डिंग। ओके, और मेन बिल्डिंग के ठीक साइड में ही सेंट्रल लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के बाजू में TS है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, आई लव NIT वारंगल, ये ठीक लाइब्रेरी के सामने है। और ये है क्यूट सा फाउंटेन, अब जो अभी ड्राई है, कल ही इसको क्लीन किया गया है, मेरे ब्लॉग में आपने देखा भी होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे अंदर लाइब्रेरी के। ओके, दिस वन इज द बॉयज रीडिंग रूम। ओके, और यह लाइब्रेरी जाने का रास्ता, और ठीक राइट साइड में गर्ल्स की रीडिंग रूम है। आई कांट एंटर टू द बॉयज रीडिंग रूम, बट मैं आपको दिखा सकती हूँ गर्ल्स की रीडिंग रूम। लेट्स गो इनसाइड। अभी तो बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जब क्लासेस वगैरह होती है ना, तो भरा होता है रीडिंग रूम। और एग्जाम के टाइम में तो पूछ ही मत। लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। गार्ड है भाई, गार्ड है। जैसे ही आप लाइब्रेरी के अंदर एंटर करोगे, वैसे ना आपको दिखेगी एक डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे बाद में। ये जो आपको 3-4 मशीन दिख रही हैं, वो है, एक तो हम लोग यहाँ पे बुक्स रिटर्न कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर मशीन, एंड फॉर रीन्यू, इशू एंड रिटर्न बुक्स, वी नीड अवर ID कार्ड्स। दिस मशीन ऑटोमेटिकली स्कैन अवर ID कार्ड एंड डू अवर। अब इसके बाद देखो, नीचे भी एक रीडिंग रूम है और इधर भी एक रीडिंग रूम है। ऊपर वाली रीडिंग रूम ये AC वाली रीडिंग रूम है, नीचे AC नहीं है, लेकिन नीचे बुक्स भी रखे हुए हैं बहुत सारे, और बुक्स के शेल्फ के बाजू में बेंचेस रखे हुए हैं, जहाँ पे हम लोग बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे नीचे वाली लाइब्रेरी। This is the system. By using the system, we can get the address of book, address of any book. It will show you shelf number, rack number, and everything. Just you have to enter their book name, and it will show it is there or not.
आपको ऐसा लग रहा होगा देख के कि मैं एक ही चीज़ बार बार दिखा रही हूँ, बट इट्स नॉट ट्रू। हमारी लाइब्रेरी बहुत सी सिमिलर है, मतलब बहुत बड़ी भी है, और अगर आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए ना तो आप बता नहीं सकते कि आप कहाँ पे हो, जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन से कोर्स की बुक कहाँ पे रखी है। आप बुक का नेम रीड करके ये बता सकते हो कि आप कौन से रूम में हो वगैरह, कहाँ पे हो एग्जैक्टली लाइब्रेरी में, लेकिन अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि कौन से कोर्स का बुक कौन से शेल्फ में है कहाँ पे है, तो आपको अगर एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप कहाँ पे हैं। रैक नंबर 57 इज़ द लास्ट रैक ऑफ आवर लाइब्रेरी। तो सोचो 57 रैक है, और 57 रैक में बहुत सारे कंपार्टमेंट है, और हर एक कंपार्टमेंट में बहुत सारे बुक्स है। कितने सारे बुक्स होंगे ना, अरे सॉरी 58, ओ माय गॉड, तो आई थिंक 58 होगी लास्ट, यस 58। यह है ऊपर वाली लाइब्रेरी जो मैंने पहले बताया था कि एसी है इस लाइब्रेरी में, जिसको एसी चाहिए वो इस लाइब्रेरी में बैठ सकता है। इसमें भी थोड़े बहुत बुक्स है, अब हम लोग एंटर करेंगे डिजिटल लाइब्रेरी में, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। हम वहाँ पे बैठ के लेक्चर देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब स्टडी के ही रिलेटेड कुछ भी। ओके, एंटर करना पड़ता है अपना नाम और सब कुछ यहाँ पे।
लाइब्रेरी टूर तो हो गया, बना लिया है मैंने वीडियो। हमारी लाइब्रेरी कैसी लगी है बताना मत भूलना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।